अब एक्साइटेड हूँ आज का कैंपस टूर करवाने के साथ मेरे साथ। चलिए जी करते हैं एंट्री। देखा भाई ये था फैशन डिजाइनर वाला कोर्स जो है ना, देखो कितना प्यारा है ना, आगे देखो बहुत प्यारा। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चीज थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे यार तुम सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब के यार नहीं देखो यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएम व्लॉगर। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी अमायरा के बाहर से। और आज हमारा व्लॉग क्या है, बेसब्री से ना पहले लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया भाई, अब देख सकते हैं उस पे कितने सारे व्यूज आए, कितने सारे कमेंट आए, बहुत सारा प्यार दिया भाई लोगों ने। आज मेरा दिल किया कि भाई मैं इसका पार्ट टू बनाऊं। हम जा रहे हैं कॉलेज, और कॉलेज क्यों जा रहे हैं, कॉलेज इसलिए जा रहे हैं कि हमें एक कैंपस टूर करना है, क्योंकि पहले भी किया है लेकिन तब से क्या हुआ है कि तब से बहुत सारी चीजें हमारी कॉलेज में आई है जो लोगों को नहीं पता होगी। तो आपको तो पहले पता होगा कि हम किस कॉलेज में पढ़ते हैं, राय बारा यूनिवर्सिटी मोहाली, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उस कॉलेज में जाना है आज हमको, और तो आपको कैंपस टूर करवाएंगे, और जिसको जो भी प्रॉब्लम आएगी आज हम इस वाले ब्लॉग में ना सब कुछ डिटेल देके अच्छे से कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो मेरे साथ मेरे खालिद भाई है जो यहाँ पर है, ठीक है, तो कैमरा खालिद भाई। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कॉलेज, और आपको दिखाएंगे कि कॉलेज कहाँ पर है, राय बारा कहाँ पर है, क्या है, जो भी है इस वाले ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखने वाला है। खालिद भाई के साथ बने रहो और मेरे साथ भी बने रहो, ठीक है, सबके साथ बने रहो, ठीक है। कॉलेज में हम आपको नई नई चीजें दिखाएंगे। जी चलो, तो खालिद भाई आप एक्साइटेड हो आज का कैंपस टूर करवाने के साथ मेरे साथ? भाई ऑब्वियसली हम एक्साइटेड ही होते हैं हमेशा, क्योंकि कॉलेज हमारा है, तो हम चाहेंगे कि अपने कॉलेज में अच्छी अच्छी चीज़ आपको दिखाए, मतलब क्या क्या चीज़ें कॉलेज में आई है, नई नई चीज़ें। आपने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा होगा ना, तो मैक्सिमम सबने देख लिया, बहुत सारे कॉलेज से बहुत सारे लोगों ने देखा एंड बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा व्लॉग। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये व्लॉग उससे ज़्यादा अच्छा बनाऊं, उससे तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा भाई, 13K प्लस व्यूज़ आया है भाई, इससे ज़्यादा क्या प्यार चाहिए भाई, मतलब। लेकिन अलग बात है लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे यार तुम सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब के यार नहीं देखो यार, मैं भी थोड़ी मेहनत करता हूँ, खालिद भाई भी मेहनत करता है, प्लीज कर दो, तो वो चीज़ समझो यार प्लीज। तो अभी चलते हैं हम सीधा कॉलेज की तरफ। कॉलेज हमारा पड़ता है किस साइड, ये आ गया मेन हाईवे, तो इस साइड जाता है चंडीगढ़ और इस साइड जाता है राय बारा। तो लेट्स सी आपको आज हम डिटेल में सब कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है। पे आगे यहाँ से हमको ऑटो पकड़ना है, जस्ट 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ऑटो में 10 रुपए लगते हैं, तो 10 रुपए लेके हम कॉलेज की तरफ हो जाते हैं बिना टेंशन के 10 रुपए में, देख रहे हो भाई। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है रोड क्रॉस करना, तो प्लीज ध्यान से यहाँ से रोड क्रॉस किया करो यार, कभी भी यहाँ वहाँ हो जाएगा ना तो समझ जाओ डब हो जाएगा, तो प्लीज सेफली क्रॉस किया करो, ठीक है। जी ये रहा हमारा राय बारा की एंट्री का मतलब ऑप्शन, जहाँ से जाता है वेलकम। तो यहाँ पर पहले तो कुछ लोग यहाँ पर पार्किंग वगैरह लगाते हैं अपनी बाइकें वगैरह, तो यहाँ से अंदर जाता है हमारा कॉलेज की तरफ, वो आगे दिख रहा है आपको, तो चलते हैं लेते हैं अंदर। चलिए जी करते हैं एंट्री। एंड खालिद भाई या ब्रो कुछ बोलो भाई, आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है। बस अभी हम आपको अंदर लेते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया लगे हुए हैं,
देख रहे। सो चलो जी अंदर, वहाँ पर एटीएम वगैरह है जहाँ से पैसे वगैरह निकाल लें आपको अगर, ठीक है। और आज बहुत कम बच्चे आए, क्यों? क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है तो सारे घर गए, तो हमने सोचा चलो आज ही हम व्लॉग बना लेते क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से जी तभी हमने सोचा कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए तो जी अब आती है बारी कैंपस टूर की। तो पिछली बारी तो मैंने करवाया था, सब कुछ ही दिखाया था मैक्सिमम, बट कुछ चीज़ें नहीं दिखाई थी जो अभी तक बनी नहीं थी, तब बनी नहीं थी, लेकिन अब जो बन गई है तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो MSC, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा, MSC फूड, जहाँ पर आपको दिन का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अंदर तो आपने देखा होगा उस व्लॉग में, तो मैं अंदर आपको ज़्यादा लूँगा नहीं, ठीक है। तो ये आ गया MSC और वो आ गया एडमिशन सेल, जहाँ पर आपको एडमिशन के बारे में जो भी रिलेटेड वो आया वो। यहाँ से चलते आगे, ये जो है ये हमारा डिपार्टमेंट CSE डिपार्टमेंट, देख लो। तो ये वाला भी आपने देखा था पिछली बारी, तो आपको वो चीज़ें दिखानी जो मैंने खुद भी, मतलब लोगों ने नहीं देखी है, और वो चीज़ें आपको दिखानी, वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा जो तुमने देख ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हम आगे, आगे एक जगह है, कौन सी जगह है खाली भाई? बास्केटबॉल वाली है और नया जिम सेंटर खुला था यहाँ। हाँ, वो सारी चीज़ें आपको आज दिखाने वाला मैं, ठीक है। ये है जी हमारे डिपार्टमेंट, देखो यहाँ से जाता है, तो CSE का डिपार्टमेंट ये है, और ये जो है ये है डेंटल का, डेंटल वाला, ठीक है। अच्छे से दिखाता हूँ मैं भाई आपको, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो ये डेंटल का, सो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये है फैशन डिज़ाइनर वाला। तो ये इसके साइड वाला, अंदर तो बंद ही होगा, नहीं तो अंदर लेने का मेरा बड़ा मन था। क्या बोलता, चलेंगे अंदर? अंदर बंद होगा, नहीं तो मैं अंदर लेता आपको फैशन डिजाइन। एडमिशन करी थी ना हमने, इसी में एडमिशन करनी थी पहले। हाँ, लेकिन ये था ही नहीं, ये तब था ही, तभी कोर्स ही नहीं था, ये इसी बारी वाला कोर्स है। तो देखा भाई, ये था फैशन डिज़ाइनर वाला कोर्स जो है ना, देखो कितना प्यारा है। अंदर जा नहीं सकता क्योंकि क्या पता कोई टीचर्स वगैरह होंगे तो कुछ बोल दे, तो ठीक नहीं रहेगा ना, इसकी वजह से अभी कुछ आप इस तरह ही देखो। ये है फैशन डिज़ाइनर का, खूबसूरत ना, आगे देखो बहुत प्यारा है। बाकी बाइकों का ये सिस्टम है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता सही से, और ये है फैशन डिज़ाइनर, तो इतना ही दिखा सकता हूँ भाई मैं अभी। तो बास्केट वाला यहाँ से फैशन से जाके इस साइड जाता, ठीक है, तो इस साइड है वो। और ये है गर्ल्स हॉस्टल्स, देख रहे हो, गर्ल्स हॉस्टल के साथ में ही बास्केटबॉल वाला जो खुला है। तो ये जो है ये मोटर मैकेनिक वाला कोर्स, इस साइड भी पार्क है, देख रहे हो भाई, पूरे कॉलेज में बहुत सारी पार्क है, इस साइड तो हॉस्टल वालों की है, जो लव बर्ड्स है भाई उनके लिए तो भाई फुल मजे भाई, तो उनको तो पाक ही हर जगह मिलता रहेगा, उनके लिए बहुत फायदा भाई, समझ रहे हो। जो ये बास्केटबॉल वाला ना, इसको कोई 4-5 मंथ हो गए होंगे बनाए हुए, काफी टाइम हो गया है, मतलब मैंने लेट ही दिखाया आपको, बट काफी टाइम हो गया। ब्लॉग्स में तो मैंने बहुत बार दिखाया था, बट कैंपस टूर में मैंने आज फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री है इसकी, एंड चेक करो भाई बास्केटबॉल वाला एरिया कितना अच्छा है भाई। बाद में कर ले बात यार, प्लीज़ कैंपस टूर हो रहा है, प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ओके सॉरी, मैं साइड। हाँ, ये खालिद भाई बताएंगे आज इसके बारे में। खालिद भाई पहले इसके बारे में बताओ, ये तो जो ये है ये वाला, ये तो बास्केटबॉल ग्राउंड है। हाँ, ये वाला बास्केट वाला एरिया पहले बना था। हाँ, 4-5 महीने पहले काम लगा था, कोई 4-5 महीने हुए इसको बने हुए। सो और ये वाला भाई, ये तो बैडमिंटन, बैडमिंटन ना, आपको आता है खेलना भाई? हाँ आता है, क्या बात कर रहे हैं। ये बैडमिंटन वाला एरिया ये वाला, और फिर वो बास्केटबॉल वाला है। हाँ, ये वो जो इस साइड है ये वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल वाला, ये सेंटर में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाला। हाँ, हमने वैसे यहाँ पर रील शूट भी किया, फोटो शूट भी किया, अगर आपने नहीं देखा वो जाके इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको, जाके देखो बहुत प्यारे प्यारे फोटोज उठे हैं यहाँ पर। और ये है वॉलीबॉल, लेकिन कभी खेला नहीं खाली ना, यहाँ कभी नहीं खेला है, ग्राउंड पे खेलने का मन। यहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह सब कुछ होती है पता आपको, यहाँ पर मतलब अगर मैच वगैरह होंगे ना तो आपको सब कुछ यहाँ पर हो जाए, मतलब खेल सकते हो आप, टूर्नामेंट में जा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं कॉलेज में, लास्ट टाइम हुआ था जो नया खुला है उस साइड खुला है शायद, इस साइड नहीं खुला है। अरे वो उस साइड बड़ा है, हाँ, क्रिकेट ग्राउंड जो है वो भी खुला हुआ लेटेस्ट वाला। हाँ, उस साइड है। हाँ, सही बोला। तो वहाँ पे टूर्नामेंट था, वहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने फाइनल जीता था। CSE ने, मैं नहीं था, एज अ कोच उनके साथ था। कोच था भाई, मेरे को नहीं पता चला कोच का बना। ये जो मैंने आपको दिखाया बास्केटबॉल का एरिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी जगह, ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह है। तो बाकी उस साइड जो है उस साइड पार्क है, वहाँ पर प्यारे प्यारे लड़कियाँ झूले कर रही है। बास्केटबॉल वाला एरिया तो हमने कवर कर दिया, और आपको आप दिखाता हूँ मैं जिम जो लेटेस्ट खुली है, मतलब 1-2 महीने पहले खुली है, तो वो जो कॉलेज के अंदर ही जिम है, तो वो वाला भी लेटेस्ट खुला है, तो वो आपको दिखाता हूँ आप मैं, ठीक। तो ये रहा लाइब्रेरी, और इसके साथ में ही ओपन थिएटर, और उसके साथ में ही जिम सेंटर, देख रहे। और ये रहे यहाँ पर
स्टेशनरी वगैरह और इस साइड खाने पीने का भी एरिया, यहाँ पर वहाँ पर भी बैठ सकते हैं और वहाँ पर भी, और ओपन थिएटर में तो बहुत सारे बैठे थे, ओनली खालिद भाई और मैं अकेले बैठे, बाकी तो सब बैठे हुए हैं ना। खालिद मतलब कहाँ बैठा है? अरे मतलब सब किसी ना किसी के साथ बैठे, तू और मैं ही नहीं बैठे। और इंसाफ चाहिए, रुक। ये रहा ओपन थिएटर और यहाँ पर जब इवेंट्स वगैरह होते हैं ना तो ये सारा चीज़ें जो है वो यहीं पर होता है। पता जिस टाइम हमारा इवेंट होगा, हाँ जो इवेंट टेक्नोवर्स है जो होने वाला था बाद में हुआ नहीं तो फैब में होगा, तो खालिद भाई तब कहाँ पर स्क्रीन लगी होगी, हाँ यहाँ पे हम बड़ी स्क्रीन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे वैसे? और ये इसके पीछे एक वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, चेंजिंग रूम होगा, चेंजिंग जहाँ पर हम अपना कपड़े चेंज करके यहाँ पर परफॉर्म, यहाँ से आएंगे, यहाँ से लोग होंगे, कितने सारे लोग होंगे उस दिन? बहुत सारे भाई, समझो कितने तक होंगे लोग उस दिन टेक्नो वर्सा के टाइम पे, समझो चार जगह चलेगा। हाँ एक ये जगह है, एक उस साइड वाली जो पुराना बास्केटबॉल है ना, हाँ और उस साइड है समझो वो साल का सबसे बड़ा वाला इवेंट होता है, तो तीन दिन चलता है, तो उसके लिए जी बहुत सारा यहाँ पर होने वाले लोग तभी ठीक है। और तब हमने भी परफॉर्म करना है क्योंकि हमने भी नाम लिखवाया, तो असली तो वो होने वाला था 23 को लेकिन वो पोस्टपोन होकर फैब में चला गया, तो तब तक वेट करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। 6, 7, 8 हाँ 2024। तो ये था ओपन थिएटर का एरिया जो मैंने आपको दिखाया, और अब लेते हैं आपको हम जिम साइड, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। तो एंट्री मिल चुकी है तो चलते हैं, जा रहे हैं चलो जी। और यहाँ पर लंच वगैरह हो रहा है, अभी हम नहीं दिखाएंगे। तो ये रहा जिम का एरिया सारा, देख रहे हो भाई, खालिद भाई जिम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। जिसने आज तक कभी जिम नहीं की उसको ज़्यादा पता, देख रहे हो भाई। भाई मेरे को जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना कुछ नॉलेज है, तो प्लीज़ मैं नहीं बता सकता कि ये वो जिम है, वो चीज़ है, बस आप देखो। हाँ जो समझदार लोग होंगे वो समझ, उनको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ है। देख रहे हो ये साइकिलिंग का, हाँ ये साइकिलिंग का, तब वाह देख रहे हो, वो ये लेटेस्ट खुला है, एक मंथ पहले खुला शायद, देख रहे हो सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। आपको बॉडी बनानी है हमारी तरह तो यहाँ पर जिम करो, जो हमारे पास है ही नहीं। तो ये है एरिया जिम का, बहुत ही बड़ा, और यहाँ पर वो भी है, क्या बोलते हैं टायर, इसको उठा, खाली इसको उठा ज़रा, मानूंगा चल उठा एक बारी, देखते ज़रा खाली भाई ने जिम की है ना, अब तेरा वो रिजल्ट निकलेगा कि तूने जिम की है भी है नहीं। चल वो कहीं से भी उठा, ऐसे नहीं, ऐसे की तरफ है, ऐसे, हाँ हाँ हाँ, चल देखता हूँ मैं, अबे उठाना है बस, उठाना है। हाँ देखते ज़रा खालिद उठा पाएगा, अगर इसने जिम की होगी तो उसको आएगा। ओ भाई हाँ देखो भाई, ये चीज़ भी यहाँ पर है, और बाकी ये जो चीज़ है ये वाली गेम भी यहाँ पर है स्पोर्ट्स की खेलने वाली, और ये टेनिस बॉल बोलते हैं ना इसको, टेनिस वाला वो टक 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 करने वाली। ये आ गया यहाँ पर मिरर, जहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ और खालिद भी आ रहा है, ठीक है। आप कॉलेज में हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, कॉलेज के अंदर ही आप जिम करोगे, हॉस्टल में हो तो हॉस्टल से आके जिम करोगे, कोई टेंशन नहीं, मतलब मज़े से आप जिम कर सकते हो, जिसको जिम का ज़्यादा शौक है भाई। अभी साहिल भाई ये उठाएंगे, अभी चेक करेंगे इनके हाथों में कितना पावर है, नहीं मेरी जान कोई कुछ नहीं बोल सकता। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, हल्का ही है, ओ भाई यस, हाथों ने हथियार छोड़े चलाना बोले, सॉरी इजी है यार, हाँ इजी है। तो जिम से होके आ गए, तो जिम भी आपने देख ली, और ये जो चीज़ है ये है हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है ये वाला, है ना, ये बॉयज हॉस्टल है, तो उस साइड वाला गर्ल्स है और यहाँ पर है बॉयज, काफ़ी डिस्टेंस रखा है वो है, अच्छी बात है ये। तो पिछली बारी तो मैंने आपको लाइब्रेरी के अंदर दिखाई नहीं कुछ भी, तो आज मैं आपको ना अंदर का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, लाइब्रेरी का शॉर्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रही लाइब्रेरी जहाँ की मैंने आपको बात करवाई, देख रहे हो भाई बहुत ही बड़ी है भाई, इतना ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर सकता क्योंकि लाइब्रेरी में काम आवाज़ से बात करनी भाई, तो समझा करो फीलिंग्स को। यहाँ पर सारे लोग, इस साइड वाला एरिया ये है, और अंदर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके ना नीचे साइड भी है, देख रहे हो, चलो वाह देख रहे हो भाई लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या बताओ ये क्या है? क्या ये वाली? हाँ ये गांधी जी ने गिफ्ट में दिया था अपना चरखा। हाँ क्या बात है, खूबसूरत।
गांधी जी ने दिया था? मैंने चलाया, गांधी जी ने दिया था ये, जो मेरे जहाँ के मामू हैं ना, उनके पास ये हुआ करता था तब के टाइम पे। हाँ, इसके धागे निकलते। वाह, ये बहुत प्यारी चीज़ है ना, गांधी जी ने हमारे कॉलेज को दिया गिफ्ट है ना। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ की बहुत ही प्यारी प्यारी, देख लो ये सोने के, सोने के कहीं वो कौन सा वाला, वो ये है, जरा जरा रब कर, रब कर, ऊपर से कर। हाँ, ऊपर से, ऊपर से। तो इसका ही नीचे वाला एरिया भी भाई, मतलब नीचे वाले में क्या होता है खालिद, साइलेंस प्लीज। तो प्लीज़ हमें मेंटेन रखना पड़ेगा भाई, मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, बट फिर भी हम मोबाइल ले रहे, देख रहे हो, बिकॉज ऑफ परमिशन। क्या बात है, यहाँ पर ओनली आपको बुक्स मिले, जो भी चाहिए। वाह, और जब आपको बुक लेनी होगी ना, उसके लिए आपको ना एक स्टूडेंट कार्ड बनाना है ना, स्टूडेंट आईडी बनानी है, स्टूडेंट आईडी बनानी है, तो तभी आपको बुक्स मिल सकती है और घर भी ले सकते हो आप। ऐसे नहीं कि आप बुक उठा के ले लोगे तो वैसे नहीं चलेगा, कुछ टाइम तक वो देते रखने के लिए, फिर उसका टाइम होता है जब वापस करना पड़ता है। तो बुक्स पढ़ना चाहता है, जिनको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आपको भाई इतनी सारी बुक्स है कि गिनती नहीं होगी, मुझे लगता है शायद 10-20 हज़ार बुक्स तो होगी शायद से, या ज़्यादा ही, मे भी ज़्यादा भी हो सकती। मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी, वाओ, ठीक है। ये एरिया है बुक्स का, ऊपर वाला था पढ़ने वाला, और ये है नीचे बुक्स लेने का, तो दो स्टोरी है इसमें, ठीक है। तो हमने लाइब्रेरी भी आपको दिखा दी, इतनी ज़बरदस्त थी, तो आपने नीचे वाली स्टोरी भी देखी, जहाँ पर बुक्स वगैरह मिलती है तो ऊपर वाले में आप पढ़ सकते हो, तो बहुत ही सही थी। एंड अभी हम इस जगह की लोकेशन पर है, और यहाँ से नज़ारे देखो कितने प्यारे हैं, रायत बारा का जो टैग लगा हुआ है कितना प्यारा, रायत बारा यूनिवर्सिटी, बहुत ही खूबसूरत, खालिद के पीछे देखो। बाकी यहाँ की कोर्स की बात है तो यहाँ पर कितने सारे कोर्स है खालिद, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब 150 प्लस कोर्सेज है, तो मैं आपको कितना करके दिखाऊंगा तो मैं खुद थक जाऊंगा। तो आपको अगर किसी भी कैंपस का, किसी भी डिपार्टमेंट का टूर चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमें इस वाले डिपार्टमेंट का टूर चाहिए, तो स्पेशली मैं वो वाला व्लॉग बनाऊंगा। होप कि तुमने सारी चीज़ें देखी होगी, आपने सारी चीज़ें नहीं देखी तो मेरा पिछला वाला व्लॉग भी देखा, उसमें भी मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखाया है। तो अगर आपको स्पेशली कोई डिपार्टमेंट दिखाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी हम रखते व्लॉग को इतना ही, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं आपसे एक खूबसूरत से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, देखने के लिए शुक्रिया, एंड फी अमानिल्लाह, बाय बाय।